अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। प्रीवियस क्लास का हमारा टॉपिक था डिज़ाइन कंटेंट्स इन वर्डप्रेस, हाउ टू डिज़ाइन कंटेंट्स इन वर्डप्रेस। तो ये डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। सबसे पहले फुटर हमारी प्रीवियस क्लास का टॉपिक था, वो हमने कवर कर लिया। अब हम ओपन करेंगे जी। ओपन कर कर यहाँ पर देखें, हमारे पास कंटेंट का कोई फीचर नहीं आ रहा। ओके, तो इसके लिए हम जो हमारे कंटेंट्स हैं वो बेसिकली क्या होंगे, वो हमारे कंटेंट्स होंगे जी, हमारे सिंगल पोस्ट के होगा, एक सिंगल पोस्ट होगा, उसके जो जितने भी कंटेंट्स होंगे वो शो आप करेगा वन पेज पर, ठीक है जी। तो अब हम ओपन करते हैं, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस सेक्शन का, ठीक है जी। तो स्प्लिट करते हैं और मैं आपको आप बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जी। देखें यहाँ पर हमारी ये वर्डप्रेस साइट, तो यहाँ पर आप देखें ये है हमारा कंटेंट का सेक्शन, साइड बार, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास फीचर कौन सा है जी, ये है हमारा सेकेंडरी बार। सेकेंडरी बार ये है हमारा साइड बार, सेकेंडरी बार, और ये कंप्लीट कंटेंट का सेक्शन है जी, रेड वाला बैकग्राउंड का रेड है ना, ये हमारा कंटेंट सेक्शन है। तो यहाँ पर देखें जी, हमारा सेकेंडरी बार पर आएंगे हम। सेकेंडरी बार में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जी करेंगे मार्जिन, ठीक है जी। मार्जिन करेंगे जी 10 पिक्सल्स चारों तरफ से, और पैडिंग करेंगे जी 10 पिक्सल्स चारों तरफ से। सेव कर देंगे, आए तो हम देखते हैं इसका थोड़ा सा रिजल्ट। देखें जी, ये हो गया हमारा चारों तरफ से 10 पिक्सल्स, सही मार्जिन इसका चारों तरफ से 10 पिक्सल्स हो गया, और ये हो गया। लेकिन इनसाइड इनसाइड जो होगा वो हम ऐड करेंगे, मार्जिन को हम 0% ही रहने देंगे, जो है हमारा बेसिकली मार्जिन। पैडिंग को रहने देंगे वही, और इसके अंदर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे जो को हमने फुटर में ऐड किया था, यहाँ से मैं कॉपी कर कर आया। तो देखें ये हो गया पैडिंग, अब जो सेव कर कर आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश, सही है जी, ये हो गया हमारा पैडिंग, और इसकी साइड में जो थे हमारे पैडिंग आ गए, ठीक है। तो ये हमारे साइड बार के कंटेंट्स हो गए। इसके अंदर जब हम मल्टीपल पोस्ट ऐड करेंगे, मल्टीपल पोस्ट सेव कर कर वर्डप्रेस साइट से जाकर मल्टीपल पोस्ट को हम ऐड करेंगे, ऐड न्यू, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ टेस्ट पोस्ट आइटम्स वन, इसको जी मैं विनवर्ड से कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ, इक्वल रेंड 4, इंटर, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और कैटेगरी अनकैटेगराइज है ये जी, टैग टेस्ट, सही है जी, और इसको हम पब्लिश कर देंगे। एड न्यू, टेस्ट 3, पोस्ट आइटम्स, और यहाँ पर पेस्ट, कैटेगरी वही टेस्ट, सेव कर देंगे जी। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है जी, ये हमारे कंटेंट्स की जो है ना सेटिंग हो गई, सही है। तो कंटेंट्स के हमारे जो मेन टॉपिक्स था वो हमने कवर कर लिया। अब देखें यहाँ पर
जो ये है फुटर इसके साथ आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम साइड बार के सेकेंडरी बार के सॉरी सेकेंडरी बार का मार्जिन बॉटम जो है ना वो 20 पिक्सल्स कर देंगे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। सही है जी, ये मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स हो गया। अब हम ये कंटेंट्स हो गए जी, हमारा ये हो गया। सही है जी, तो सेम यही फीचर्स हम ऐड करेंगे जी अपने सिंगल पोस्ट के अंदर, अपने जो है ना सारे फीचर्स हम ऐड करते जाएंगे। तो वो किस तरह से ऐड करते हैं ये मैं आपको इसी क्लास में हम कवर करेंगे। ओपन करेंगे जी हम सिंगल पोस्ट, जो हमारी साइड में सिंगल पोस्ट होती है, ओपन करता हूँ। सही, ये और सिंगल पोस्ट हो गई हमारी ये। अगर मैं इस पोस्ट के ऊपर जाऊँगा तो देखें हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। इसके अंदर कंटेंट्स वगैरह हैं जी, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे हम सिंगल पोस्ट के में इंडेक्स की फाइल को, ये आप जहन में रखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स की फाइल को सेव एज करूँगा मैं जी यहाँ पर आकर सिंगल वन के नाम से सेव। ठीक है जी, और ये सिंगल के कंटेंट्स जितने भी होंगे मैं इंडेक्स वाली फाइल में आकर ऐड कर दूंगा। कहाँ से, यहाँ से, ओके। ये सेक्शन कट, और इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, कंटेंट्स के सेक्शन में। तो ये हो गया हमारा कंटेंट का सेक्शन। यहाँ पर आकर पेस्ट, सेव, और इसको क्या करेंगे जी, सेव एज सिंगल पोस्ट करेंगे। इसको क्लोज कर कर नाउ सेव एज क्या करेंगे, सिंगल पोस्ट सेव, यस, कंट्रोल एस। अब देखें इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि ये सिंगल पोस्ट है हमारी। जी ये आ गया हमारे सिंगल पोस्ट। ठीक है जी, इसके अंदर पैराग्राफ था, पैराग्राफ के चारों तरफ हम क्या करेंगे जी, और पैराग्राफ के चारों तरफ का हम रखेंगे मार्जिन सेट करेंगे। और इसके अंदर ये देखें हेडर हमारा सही नहीं आ रहा, हेडर का जो हमारी इंडेक्स फाइल है उससे हेडर हमारा चेंज आ रहा है। ये देखें हमारे हेडर फाइल, और यहाँ पर हेडर ये सही नहीं आ रहा। ओके, तो जी ये हम करते हैं, हमारा सिंगल पोस्ट भी हो गया। अब देखें इसके आर्चिव में आता हूँ मैं, आर्चिव को सेट कर लेते हैं। ये देखें हमारा टेस्ट टैग, जैसे ही मैं टेस्ट टैग के ऊपर क्लिक करूँगा, टैग हमने रखा था जो, तो हमारे ये टेस्ट टैग मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही फाइल ओपन हो रही है टेस्ट टैग, और कैटेगरी पे जाएंगे अनकैटेगराइज पर, देखते हैं क्या कोड आ रहा है। ये आ रहा है क्योंकि आर्चिव का पेज हमारा ये आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, हम ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं सिंगल पोस्ट वन को। देखें यहाँ पर हमारे जो जहाँ पर ये पड़ा हुआ है, कहाँ पर ये जहाँ पर प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स पढ़ाता हूँ कंप्यूटर में, मीडिया में, वेब सर्वर में, WW डायरेक्टरी में, तो वहाँ पर थीम के अंदर मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। आप जहन में रखिएगा कि मैं अंदर थीम के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ। तो वीडियो ट्यूटोरियल्स,
ये हो गया जी। तो यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिएगा कि मैं थीम के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ। ये जो सिंगल पोस्ट वन है ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और सिंगल पोस्ट को मैंने सेट कर दिया था। अब हम आर्चिव को सेट करेंगे। ये जहन में रखिएगा कि आर्चिव की जो कंटेंट्स लेकर मैं अपने इंडेक्स वाली पेज में रखूँगा। इंडेक्स को सेव करूँगा एज अ आर्चिव वन, सेव एज अ आर्चिव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वन कर दूंगा इसको सेव। अब मैं आर्चिव को ओपन करूँगा, ओपन आर्चिव, ये जो हमारी ओरिजिनल फाइल है ओपन। तो इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं ये वाले, ये मेन के ऊपर वाले, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा जी। कट कर कर पेस्ट करूँगा कहाँ पर, कंटेंट के सेक्शन में। ये पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पैराग्राफ जहाँ पर एंड हो रहा है यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और कंट्रोल एस कर दूंगा सेव। सही है जी। और हम अब आर्चिव को रिफ्रेश करते हैं, और ना नो नो, आर्चिव नाम से मैं सेव करूँगा ना इसको, नो सेव एस आर्चिव के नाम से करूँगा। ये फाइल मेरी सेव हो गई, ठीक है जी। अब हम आर्चिव वन को भी ख़त्म कर देंगे, रिफ्रेश करते हैं। ओके ओके, पेज नॉट फाउंड, एरर आ रहा है जी। हाँ ये हो गया हमारा आर्चिव। ये देखें डेट के वाइज से हमारा आर्चिव आ रहा है, आर्चिव तो हमारा आ रहा है लेकिन हमारी कैटेगरीज नहीं आ रही। पोस्ट हमारी आ रही है लेकिन कैटेगराइज अनकैटेगराइज को सिलेक्ट करें जी। ये हो गया कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड आ रहा है हमारा। इस फाइल को अब हम करेंगे, आर्चिव हमारा सेट हो गया जी। देखें आप हमारा आर्चिव, होम पर आते हैं, सही है। और ये आर्चिव है हमारा, आर्चिव को देखें, आर्चिव के अंदर जो अक्टूबर 2015 में जितनी भी पोस्ट की थी वो सारी आ जाएंगी, ठीक है जी। आर्चिव तो हमारा सेट हो गया लेकिन अब हम कैटेगरी को सेट करेंगे। कैटेगरी को सेट करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर, ओपन करेंगे कैटेगरी को, कैटेगरी ओके, कैटेगरी कहाँ हो तुम। एनीवे हम कैटेगरी को जो है ना, ये हमारा आर्चिव में आता है, ये यहाँ पर एरर आ रहा है हमारा। क्या एरर आ रहा है, उप्स द पेज के नॉट बी फाउंड। सबसे पहले हम पेज बनाएंगे, पेज है हमारा जी ये, ओपन करेंगे पेज को। पेज के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं के क्लोज, इसको सेव एज पेज वन करेंगे, सॉरी इंडेक्स फाइल को पेज वन करेंगे सेव एज। ये पेज पेज वन करूँगा, ठीक है जी। तो इसका कोड मैं ले लूँगा यहाँ पर, सिंपली द बेस्ट पेज का कोड मैं यहाँ से लूँगा। नाउ यहाँ से पेज से मैं कोड लूँगा, आ जाए आ जाए, इसके नीचे बिल्कुल कट करेंगे जी। कट कर कर हम यहाँ पर रख देंगे पेज को, पेस्ट एंड सेव, और इसको सेव एज करूँगा पेज वन। क्या करूँगा जी, सेव एज पेज वन, सॉरी पेज करूँगा, और ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। यस यहाँ पर देखें हमारी फाइल पेज
पेज पोस्ट वगैरह वगैरह आ गया। देखते हैं रिफ्रेश कर कर। हम वर्डप्रेस साइट पर आते हैं, सैंपल पेज पे आते हैं। ये हमारा सैंपल पेज बन गया जी, जो जो हमारा पेज था ये हमारा सैंपल पेज आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, कैटेगरी टेस्ट करते हैं। कैटेगरी नहीं आ रही हमारी। गूगल क्रोम में ओपन करके देखते हैं जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एरर आ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ओके ओके, लोकल होस्ट, वर्डप्रेस, पोस्ट आइटम, सर्च में पोस्ट रिजल्ट आ रहा है लेकिन पोस्ट कैटेगरी नहीं आ रही जी। एनीवे ये एरर भी हम सॉल्व कर देंगे। इसके अंदर, इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या सेट किया है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो टॉपिक कवर करेंगे जी। देखें जी, इस क्लास के अंदर हमने कंटेंट्स के सिस्टम को कवर किया। कंटेंट्स में हमने पेज को क्रिएट किया, सही है जी, ये पेज हमने क्रिएट किया। पेज के बाद हमने पोस्ट कंटेंट्स को क्रिएट किया। देखें यहाँ पर हमारे पोस्ट कंटेंट्स जितने भी हैं आ रहे हैं, तो जैसे ही पोस्ट पर जाएंगे तो हमारा पोस्ट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, ये पोस्ट स्टाइल हमारा आ गया, इसके अंदर कमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लॉग इन हुआ हुआ हूँ, इसके लिए एडमिन यहाँ पर पोस्ट करेगा, पोस्ट करेगा हेलो हाउ इज देयर, सॉरी पोस्ट कर दूंगा ये कमेंट में। और कौन सी पोस्ट पर, सर्च बाय पोस्ट बाय कैटेगरी, तो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट कर दी है। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आ रहा है इसका आउटपुट। सर्च पोस्ट बाय कैटेगरी, सर्च के रिफ्रेश करते हैं इसको। देखें ये आ गई हमारी कमेंट, सही, कमेंट्स इस तरह से आएंगे, कोई भी कमेंट्स करेगा तो वो इस तरह से जनरेट होंगी। तो लेकिन यहाँ पर कैटेगरी का पेज ओपन नहीं हो रहा, ये एरर है जी हमारा, ये हम सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सर्च का पेज बनाएंगे, और हम कौन सा पेज बनाएंगे जी, एक हम बनाएंगे, हमने आर्चिव कवर कर लिया। ठीक है जी, डिलीट, आर्चिव कवर कर लिया, कमेंट, कमेंट्स का सेक्शन हो गया ऑटोमेटिकली कवर, फुटर कवर कर लिया जी, और हमने क्या क्या कवर किया जी, हमने कवर किया पेज के सेक्शन को। ठीक है, और इसके अंदर सर्च एंड 404 पेज नॉट फाउंड, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। और आर्चिव भी हमारे कैटेगरी एंड टैग्स होते हैं।
ठीक है जी, तो इसके साथ मैं क्लास को अपनी को एंड करता हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर 404 एंड सर्च के सेक्शन को डिस्कस करेंगे, और आरचीव भी मैं एरर ये सॉल्व कर कर आपको डिफाइन कर दूंगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।